मड़ावी साहब, जय उलगलान, जोहार, जय आदिवासी। जय उलगलान, जय जोहार, जय आदिवासी, जय बिरसा। हिंदी में आज 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा, जननायक बिरसा मुंडा, इनका जन्म दिवस है 147। और आज यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि राहुल जी गांधी भारत जोड़ो के तहत वो पूरे भारत भर में घूम रहे हैं और पैदल घूम रहे हैं। ये इतनी बड़ी बात है, जब महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की थी उसी का नाम लोगों को मालूम था, लेकिन ये जो भारत यात्रा है 3-4 हज़ार किलोमीटर एक आदमी निकल रहा है और उनके साथ लाखों लोग जुड़ रहे हैं। एक बड़े शायर ने कहा था कि मैं अकेला निकला था जाने भी मंजिले, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। मैं साथ ही में फैज साहब को भी जोड़ना चाहूँगा कि जो दरिया झूम के उठे हैं वो तिनको सेना ताले जाएंगे, अब तो डेरे मंजिल पर ही डाले जाएंगे। क्या बात है, क्या बात है। तो ये कौन सी मंजिल है? ये मंजिल है हमारी प्यार की मंजिल, क्योंकि 2014 से हम लोग देख रहे हैं भारत में नफरत की राजनीति चल रही है। इधर उधर नफरत, धर्म के बीच में नफरत, जातियों के बीच में नफरत, पंथों के बीच में नफरत, भाषाओं के बीच में नफरत, प्रांतों के बीच में नफरत, ऐसी नफरत की राजनीति यहाँ पर कुछ लोग चला रहे हैं। तो अब राजीव गांधी, राहुल गांधी जी एक ऐसा आदमी निकला है, उनको लगा कि नहीं, ये नफरत को मैं ख़त्म कर दूंगा इस देश की, और इस इरादे से ये आदमी निकला है और उनको लगा है, और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि वो कहते हैं कि मैं नफरत की रादी ख़त्म कर दूंगा, नफरत की आंधी, मैं ख़त्म कर दूंगा नफरत की आंधी, उसका नाम है राहुल गांधी। क्या बात है, क्या बात है। ये थे हमारे साथ में दरअसल मड़ावी साहब, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट भी है, आदिवासी एक्टिविस्ट है, साथ ही वो सांस्कृतिक कर्मी भी है, जिन्होंने कि बिरसा मुंडा का जो नाट्य रचा था। तो असल संघर्ष जो होता है वो सांस्कृतिक संघर्ष होता है, और वही संघर्ष बिरसा मुंडा जी ने किया था, वो दिक्कों के खिलाफ लड़े थे। तो आप भी सांस्कृतिक संघर्ष आगे कैसे लेके जाएंगे? आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पर राहुल जी गांधी बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर यहाँ आए, और यहाँ से ये बात पूरे देश में फैल गई है कि हमारा जो सांस्कृतिक संघर्ष है, क्योंकि हम यहाँ इस देश के मूल निवासी हैं, ये आदिवासी हैं, लेकिन कुछ लोग हमें वनवासी कहना चाहते हैं, वनवासी बनाना चाहते हैं। हम उसके खिलाफ, हम लोगों ने कई दिनों से नारा लगाया है कि हम आदिवासी हैं, मूल निवासी हैं, हम वनवासी नहीं हैं। और ये बात आज राहुल जी गांधी के मुंह से निकली है, तो सारा आदिवासी समाज आज बहुत खुश है कि हमारी बात नेशनल लेवल पे गई है। जो लोग हमारे संस्कृति को दबाना चाहते हैं, नष्ट करना चाहते हैं, हमारी भाषाओं को नष्ट करना चाहते हैं, ये सारी सांस्कृतिक लड़ाई हम आगे जोर से लड़ेंगे, ताकत से लड़ेंगे, और अपनी संस्कृति जो भारत को भी हम बचाएंगे। जो फिरका परस्त ताकते हैं वो भी आदिवासी का हिंदूकरण कर रही है, मतलब उन पर जो हिंदुत्व का कलम किया जा रहा है, रोपण किया जा रहा है, जैसे कि डांग उत्सव हो, बाद में कुछ जो पीछे इलेक्शन चला था तो कुंभ मेले में ट्रेन भर भर के आदिवासियों को मुफ्त में सैर कराया गया था, तो ये इसके कैसे करेंगे आप प्रतिकार? नहीं, ये जो चल रहा है आदिवासियों के दिल में, मन में, अब ये भावना पैदा हो गई है कि भाई हम लोग हिंदू नहीं है, हिंदू कल्चर हमारा कल्चर नहीं है। वो अपना कल्चर ढूंढ रहे हैं, अपना पंथ ढूंढ रहे हैं, अपना धर्म ढूंढ रहे हैं। और जो लोग ये अपना पंथ धर्म ढूंढ रहे हैं, तो ये कुछ लोग हैं आरएसएस वाले जो लोग हैं, उनके दिमाग में ये बात आई कि अगर आदिवासी हमसे छूट जाते हैं, क्योंकि उसने पहले यही प्रकार, यही प्रक्रिया कुछ और दूसरे समाज के साथ की थी, जब उसके समाज दूसरे एससी समाज हो या और ओबीसी समाज हो, अगर वो समाज उनके हाथ से छूट जाता है, तब उनको लगता है कि वो आदिवासी बचा है, आदिवासी के पीछे वो लगे हैं। लेकिन आदिवासियों में हमारा, हमने बिरसा क्रांति दल बनाया है, इसके लिए संगठन बनाया है, ये हमारे आदिवासी विकास परिषद है, बहुत सारे संगठन अपने अपने जगह काम कर रहे हैं,
और ये मौका फरस जो लोग हैं, अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं, उनके खिलाफ में आदिवासी का आने वाले दिनों में एक बड़ा संघर्ष होगा, वो छेड़ा जाएगा और वो आदिवासी अपना हक लेके रहे। साथ ही में एक भी देखा गया है कि आदिवासी क्षेत्र में गैर आदिवासी जाते हैं एनजीओ बनकर, और वो आदिवासी का एक तरह से शोषण भी करते हैं। और एक तरह से मैं कहूँगा कि वो जो है आदिवासी में नेतृत्व पनपने नहीं देते हैं और खुद ही उनका नेतृत्व करने लगते हैं, और आदिवासी को कुछ सिखाने जाते हैं ना कि उनसे सीखने जाते हैं। तो ऐसे एनजीओ और ऐसे जो कार्यकर्ता है उनके लिए आप क्या कहोगे? ऐसे लोग ये तो मौका फर्ज ये भी है, हाँ ये भी अपॉर्चुनिस्ट है। ऐसे एनजीओ जो काम करते हैं वो अपने लिए काम करते हैं, आदिवासियों के लिए काम नहीं करते। तो आदिवासी क्षेत्र से एनजीओ भगाओ ऐसी एक आदि मुहिम आप? ये मुहिम हमने मेड़घाट से शुरू की है। मेलघाट में अभी तक 2000 एनजीओ काम कर रहे हैं, लेकिन मेलघाट का परिवर्तन कुछ नहीं हो रहा, समाज बदल नहीं रहा है। और बदल रहा कौन है? तो ये एनजीओ बदल, एनजीओ तंदुरुस्त बन रहे हैं, उनके तंदुरुस्त हो गए, उनके किससे, उनके पास पैसा आ रहा है। बात करते आदिवासी की लेकिन जेबें अपने भरते। ऐसे एनजीओ के एनजीओ से भी आदिवासियों को खतरा है, उनको भी भगाओ आंदोलन ये जल्दी ही जल्द आदिवासी करेंगे, हम शुरू करेंगे। और दूसरी बात जो है कि अभी जो जून में जो नया वन कायदा आया उसके तहत जो ग्राम सभा को अधिकार थे पैसा, चाहे पैसा क्षेत्र हो, तो वो निकाले गए हैं और डायरेक्टली जमीन वो कॉरपोरेट को दी जाएंगी। तो इस मामले में वो वन कायदे की जो है होड़ी करना या उसको जलाना, ऐसा कुछ आंदोलन? वन कायदा आया 2009 में, तब आदिवासियों को लगा कि अब हमको हमारे अधिकार मिल जाएंगे। लेकिन पहला बदल कहाँ हुआ? पहला बदल तो ये फडणवीस के गवर्नमेंट थी महाराष्ट्र में, ये जो समृद्धि महामार्ग जा रहा तो नासिक और ठाणे के पट्टे के जो आदिवासियों की जमीन थी वह जमीन वो ले नहीं सकते थे, इसलिए उसने पहला वहाँ पे बदल ये किया, ग्राम सभाओं का अधिकार उसने वहाँ पे निकाल दिया। तब हमने नासिक में जाकर इसकी होली की थी 2014 में हम लोगों ने की थी, और पूरे देश में एक तरफ से ये सरकार क्या करती है, आदिवासियों के नाम पर कोई कायदा तो बना देती है लेकिन उनका उपयोग सही ढंग से आदिवासियों का नहीं होता है। ये सिर्फ मुंह दिखाने के लिए बात करते हैं, तो अभी आदिवासी लोग इनके बारे में समझ चुके हैं। अब आने वाले चुनाव में हो या आने वाले दिनों में आदिवासी इनको अपने घर बैठाएंगे और अपना अधिकार के लिए खुद मैदान में उतरेंगे, और एक बड़ा, मैंने बोला नहीं, एक बड़ा संघर्ष जल्दी छेड़ा जाएगा, क्योंकि संघर्ष के बिना तो मेरा ये कहना है कि जैसे डिवाइडेड वी फॉल एंड यूनाइटेड वी स्टैंड, तो किसान आंदोलन जो कारगर बना, कामयाबी हासिल की, तो 500-550 तो किसान संगठन और कामगार संगठन जन आंदोलन उसमें शामिल हुए। तो उसी तरीके से पूरे भारतवर्ष में जितने आदिवासी संगठन है उनका भी कुछ समन्वय या शिखर समिति संगठन बनना, समन्वय समिति, वो प्रोसेस चालू है और बहुत सारे संगठन इकट्ठा आए हैं, उनकी मीटिंग भी हुई है। और मैंने 9 जून पिछले मैंने यवतमाल में जो आदिवासी सम्मान परिषद ली थी वहाँ उसी दिन और उसी जगह कितने संगठन थे? संगठन वहाँ पे आए थे, लगभग कितने संगठन थे? लगभग वहाँ तो 25 संगठन थे, उसमें जो बहुत सारे छोटे थे, 4-5 बड़े संगठन थे, तो वो संगठन वहाँ पे आए थे और आदिवासी, उनका नाम ही रखा था हमने आदिवासी सम्मान परिषद। उस सम्मान के लिए भारत भर के आदिवासी इकट्ठा, अभी मैं एलूर से आया हूँ, आंध्र प्रदेश से अभी आया हूँ, मैं कल मैं आंध्र प्रदेश में था विशाखापट्टनम के पास, वहाँ से रात भर चलकर मैं यहाँ आया हूँ कि भाई यहाँ अपनी बात रखे। मुझे मोगे साहब ने, सब लोगों ने बोला कि आप जल्दी आओ, लेकिन अंतर इतना था कि मैं यहाँ तक अभी तक पहुँचा। खैर, उबंटू उलगुलान चैनल की तरफ से आपकी बात जो है पूरी तरह से भारतवर्ष में पहुँचाई जाएंगी, क्योंकि एक ही साल में उबंटू उलगुलान इस चैनल ने 10 लाख व्यूअर्स और 20,000 जो सब्सक्राइबर है ये आंकड़ा पार किया है, इसलिए आपको भी शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुक्रिया। गुलगुला धन्यवाद, गुलगुला।